बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर की हिस्ट्री या टाइमलाइन ऑफ पॉलीमर्स। वैसे तो पॉलीमर इंसान के इस्तेमाल में उस वक्त से हैं जब से इंसान इस दुनिया में आया है, लेकिन बाकायदा पॉलीमर ने प्रोडक्ट्स में यूज़ होना कब शुरू किया और नेचुरल पॉलीमर से ह्यूमन बीइंग को आर्टिफिशियल पॉलीमर में स्विच ओवर कैसे करना पड़ा, ये हिस्ट्री हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया में और अमेरिका में ये प्लांट होता है जिसे रबर प्लांट कहते हैं। नेचुरल रबर इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्लांट को हीविया भी कहते हैं। इस प्लांट के ऊपर इसके ट्री के स्टेम में कट लगा देते हैं, ये जैसे ये कट लगा हुआ है, और इससे एक जूस सा निकलता है, एक मिल्की लिक्विड निकलता है जिसको लेटेक्स कहा जाता है। इस मिक्स मिल्की लिक्विड को किसी प्याले में या कोई भी बर्तन इस दरख्त के साथ बांध के उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस प्लांट इज़ कॉल्ड हीविया और रबर प्लांट एंड दिस मिल्की लिक्विड इज़ कॉल्ड लेटेक्स। दिस इज मिल्की लिक्विड दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्राम हीविया एंड हीविया इज़ एक्चुअली रबर प्लांट। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 में अमेरिका पहुंचा, जब उसने अमेरिका डिस्कवर किया, तो उसने देखा कि लोग एक रबर की बॉल के साथ खेल रहे हैं। वो रबर के प्लांट को वीपिंग प्लांट कहते थे। क्योंकि इस प्लांट के ऊपर अगर कट लगाया जाए तो इसमें से जूस निकलना, मिल्की लिक्विड निकलना शुरू होता है। देयरफॉर दिस प्लांट वाज कॉल्ड वीपिंग प्लांट एंड क्रिस्टोफर कोलंबस नोटिस्ड दैट द लोकल रेजिडेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका वर प्लेइंग विद बॉल दैट वाज मेड अप ऑफ एक्सुडेट ऑफ अ ट्री दैट इज कॉल्ड वीपिंग ट्री। दिस एक्सुडेट इज एक्चुअली लेटेक्स। नाउ इट इज कॉल्ड लेटेक्स। लेकिन ये नेचुरल रबर, ये जो लेटेक्स है, इसी को नेचुरल रबर भी कहते हैं। दिस नेचुरल रबर इज वेरी सॉफ्ट। इसके बाद चार्ल्स गुडियर ने 1830 में एक मेथड डिस्कवर किया कि इस सॉफ्ट रबर को हार्ड कैसे किया जाए, इसकी हार्डनेस को, इसकी स्टिफनेस को, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कैसे इन्हांस किया जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्कनाइजेशन एंड दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडियर। इसी के नाम पर एक कंपनी ने अपने टायर का नाम भी गुडियर रखा है। दिस वाज द प्रोसेस। ये नेचुरल रबर में आइसोप्रीन, उसने इसको हीट किया विद सल्फर, तो सल्फर ने क्रॉस लिंकिंग कर दी बिटवीन दीज चेन्स और इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से रबर हार्ड बन गया। अब ये नेचुरल रबर है और जब इसको सल्फर के साथ हीट किया गया तो ये कन्वर्ट हो गया हार्ड रबर, सिंथेटिक रबर में, दैट इज हार्ड एंड टफ एंड मैकेनिकली मच मोर स्ट्रॉन्गर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन इसलिए कहते हैं, वल्केन का मतलब है गॉड ऑफ फायर, क्योंकि इस प्रोसेस में फायर इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है और हीट के देवता को वो लोग वल्केन कहते हैं, कहते थे। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। इन 1830 एन अमेरिकन केमिस्ट चार्ल्स गुडियर डिस्कवर्ड वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर
टू फॉर्म हार्ड सिंथेटिक रबर. नेचुरल रबर इज कॉल्ड लेटेक्स. दैट वॉज ए स्टिकी मिल्की लिक्विड. लेटेक्स और नेचुरल रबर वॉज ए मिल्की लिक्विड. That is extracted from bark of rubber tree, and this rubber tree is called Hevia. It belongs to genus Hevia, and the latex is then converted to synthetic rubber by commercial process, and that commercial process is called vulcanization. Natural rubber is converted to hard synthetic rubber by a commercial process that is called vulcanization. Now, what is vulcanization? In this process, rubber is heated with sulfur. In this process, natural rubber is heated with sulfur at 140 to 160 degree centigrade. And this process involves formation of crosslinks between long rubber chains. In this way, we can improve elasticity, resilience, tensile strength, viscosity, hardness, and weather resistance of natural rubber. यानी आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर की इलास्टिसिटी, रेजिलियंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, हार्डनेस और वेदर रेजिस्टेंस नेचुरल रबर से बहुत ज़्यादा होती है. दिस प्रोसेस रिक्वायर लॉट ऑफ हीट. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन. And this name is given after Roman god of fire, that is Vulcan, that was called Vulcan. And this is the chemical reaction in which cross-linking is made between chains of natural rubber. Then another very interesting event. German scientist tha jo baad mein Germany ko chhod ke Switzerland mein chala gaya tha, isliye ise जर्मन स्विस साइंटिस्ट कहा जाता है. एंड हिज नेम इज़ क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबेन. शॉनबेन अपने किचन को ही अपने लैब बनाया हुआ था और लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड टेबल पर गिर गया, किचन के शेल्फ पर गिर गया. उसने अपनी बीवी के एप्रन से इसको साफ़ करने की कोशिश की, तो वो एप्रन चूँकि काटन का था और काटन में सेलुलोज है, देन दिस रिएक्शन टू प्लेस. काटन एप्रन में मौजूद सेलुलोज ने रिएक्ट किया विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दैट वाज कन्वर्टेड टू सेलुलोज नाइट्रेट. दिस मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोसेलुलोज. In 1845, Schönbein accidentally discovered cellulose nitrate, that is an explosive material, and it is also called nitrocellulose. When he tried to clean sulfuric acid and nitric acid from kitchen shelf using cotton apron of his wife, then this was the reaction. और इस रिएक्शन को अगर डिटेल में देखना चाहें, ये सेलुलोज है दैट वाज प्रेजेंट इन काटन एप्रन. इट रिएक्टेड विद मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, एंड सेलुलोज वाज कन्वर्टेड टू सेलुलोज नाइट्रेट. ये सेलुलोज नाइट्रेट का एक फार्मूला यूनिट है, एक रिपीटिंग यूनिट है. ओवरऑल ये स्ट्रक्चर यूँ बनेगी. इस तरह के बहुत से रिपीट यूनिट
एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सेलुलोज नाइट्रेट आर नाइट्रोसेलुलोज वाज फर्स्ट मैन मेड थर्मोप्लास्टिक। इससे पहले रबर नेचुरल रबर से सिंथेटिक रबर बनाई गई। बहरहाल रबर को फिर भी नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाता था। सेलुलोज नाइट्रेट वाज द फर्स्ट मैन मेड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। शॉन बेन का सिर्फ यही एक कारनामा नहीं है, ही हैज़ आल्सो क्रेडिट टू डिस्कवर फ्यूल सेल एंड ओजोन गैस। देन इन 1856 ये हम अब इसको ईयर वाइज ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं। इन 1856 देयर वाज अनदर अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन वीजली हायट। अब इसको हायट पढ़ें या हायट पढ़ लें। ही डिस्कवर्ड सेलुलॉइड, दैट वाज अनदर प्लास्टिक एंड फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्लास्टिक। सेलुलॉइड रिप्लेस्ड यूज ऑफ आइवरी, आइवरी इज एक्चुअली टीथ ऑफ एलिफेंट। हाथी के दांत जो बाहर से नजर आते हैं, दे आर कॉल्ड आइवरी एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट टस्क। तो पहले बटन बनाने के लिए या बहुत सारी प्रोडक्ट के लिए हाथी दांत यूज़ किए जाते थे और इस मकसद के लिए हाथियों को बेदरेक शिकार किया जाता था। सेलुलॉइड वाज अ पॉलीमर दैट रिप्लेस्ड इट एंड सेलुलॉइड वाज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रोसेलुलोज विद कैम्फर। इसमें कलर डेवलप करने के लिए डाइज यूज़ करते हैं एंड सेलुलॉइड इज आल्सो यूज्ड फॉर टेबल टेनिस बॉल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉम्ब्स, ऑफिस इक्विपमेंट, टॉयलेट आर्टिकल्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड गिटार पिक्स। इन 1907 लियो बेकलैंड दैट वाज अ बेल्जियन केमिस्ट, he discovered another polymer that was called bakelite and that was produced by reaction between phenol and formaldehyde. therefore bakelite was called father of plastic industry. he was a pioneer in this field. to Hendrik Bakelite ne phenol aur formaldehyde ke reaction se बैकलाइट बनाया एंड दिस इज द रिएक्शन। बैकलाइट इज रिलेटिवली चीप नॉन फ्लेमेबल वर्सटाइल प्लास्टिक। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल एंड दिस इज बैकलाइट। में एक और स्विस केमिस्ट था जैकस एडवन ब्रैंडनबर्गर, ब्रैंडनबर्गर ये इसका लाइफ टाइम। ही इन्वेंटेड सेलोफेन। सेलोफेन इज ए ट्रांसपेरेंट बायोडिग्रेडेबल मटीरियल दैट इज यूज फॉर पैकिंग। ये जरा सेलोफेन की एप्रेंट शेप देखें जरा। दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल। ऑल दीज आर सेलोफेन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेलोफेन। इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग। ब्रैंडनबर्गर
वॉज द मैन हु डिस्कवर्ड इट. सेलोफेन इज ट्रांसपेरेंट बायोडिग्रेडेबल मटीरियल. इट हैज़ लो परमीएबिलिटी फॉर एयर ऑयल ग्रीस बैक्टीरिया. इसलिए इसको सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. और चूँकि ये वाटर के लिए वाटर प्रूफ है, देयरफॉर इट इज़ यूज फॉर फूड पैकेजिंग. फूड आइटम को एयर से, बैक्टीरिया से, वाटर से ये प्रोटेक्ट करता है. और जब वाटर एयर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती. देन इन 1920 देयर वाज अनदर जर्मन साइंटिस्ट हरमन स्टाउडिंगर. स्टाउडिंगर से पहले ये समझा जाता था कि पॉलीमर, यानी चूंकि पॉलीमर का सोल्यूशन हाईली विस्कस होता है, तो लोग समझते थे कि पॉलीमर ऐसा मटेरियल है जिसको जब हम किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं तो इसके मॉलिक्यूल एग्रीगेट बनाते हैं. उस वक्त लोगों को ये कंसेप्ट नहीं था कि ये एक लॉन्ग चेन है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं. तो ये कंसेप्ट सबसे पहले श्रोडिंगर ने दिया. ही वॉज द फर्स्ट मैन हु एस्टैब्लिश्ड दैट पॉलीमर्स आर लॉन्ग चेन रिपीटिंग यूनिट. दे आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हैविंग शॉर्ट रिपीटिंग यूनिट्स जॉइंड बाई कोवेलेंट बॉन्ड. दिस वॉज द आइडिया गिवन बाई श्रोडिंगर फर्स्ट टाइम. श्रोडिंगर से पहले लोगों का ख्याल था कि पॉलीमर ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको जब हम डिसॉल्व कर लेते हैं किसी सूटेबल सॉल्वेंट में तो इनके मॉलिक्यूल एग्रीगेट बना लेते हैं, इसलिए इनका सॉल्यूशन बहुत थिक और विस्कस होता है. तो श्रोडिंगर वाज द फर्स्ट मैन हु गेव आइडिया दैट पॉलीमर्स आर एक्चुअली लॉन्ग चेन इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइन ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड. देयरफॉर ही वाज गिवन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1953. देन अनदर यंग मैन वैलस कैरोदर्स, ये डूपॉन्ट इंडस्ट्री में काम करता था एंड ही इन्वेंटेड नाइलोन. कैरोदर्स बहुत ज़हीन शख्स था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत मेहनती था, लेकिन इसका ख्याल था कि इसने अपनी जहानत से वो फ़ायदा नहीं उठाया जो इसे उठाना चाहिए था, इसलिए ये डिप्रेशन में रहता था. और इसी डिप्रेशन की वजह से ही कमिटेड सुइसाइड बाय ड्रिंकिंग पोटाशियम साइनाइड. ही कमिटेड सुइसाइड बाय यूजिंग पोटाशियम साइनाइड. देन सम अदर साइंटिस्ट हु आर वर्किंग एट ड्यूपॉन्ट दे सेंथिसाइज पोलिस्टाइरीन एंड पोली आइसोप्रीन. देन साइंटिस्ट ऑफ ICI दे डिस्कवर्ड पोलीथाइलीन. तो श्रोडिंगर के बाद एक गेटवे खुल गया डिस्कवरी ऑफ पोलीमर्स का. और दूसरी जंगे अजीम के दौरान पॉपुलेशन भी बढ़ गई और रबर का यूज़ भी बढ़ गया. देन लोगों को महसूस हुआ कि अब नेचुरल रबर से गुजारा नहीं होगा. देन एफर्ट्स टू सिंथेसाइज आर्टिफिशियल रबर इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हीविया. नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन. जब पॉलीमर्स की ज़रूरत महसूस हुई, जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती गई और ह्यूमन पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होना शुरू हो गई,
तो लोगों को एहसास हुआ कि अब नेचुरल पॉलीमर हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे, देन इस पर बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए। तो ज़िगलर और नाटा नामी दो साइंटिस्ट ने एक कैटलिस्ट डिस्कवर किया, दैट वाज कॉल्ड ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। एक साइंटिस्ट का नाम था कार्ल ज़िगलर एंड द अदर जेंटलमैन वाज गिलियो नाटा। दे डिस्कवर्ड ए कैटलिस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स लाइक वन एल्कीन। टू मेन क्लासेस ऑफ ज़िगलर नाटा रिएजेंट्स आर ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, हेटरोजीनियस कैटलिस्ट एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेटरोजीनियस कैटलिस्ट दे आर इन डिफरेंट फेज देन रिएक्टेंट्स एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट आर इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। हेटरोजीनियस कैटलिस्ट आर बेस्ड ऑन टाइटेनियम कंपाउंड एंड दे आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद को कैटलिस्ट लाइक आर्गेनो एलुमिनियम कंपाउंड सच एज ट्राई इथाइल एलुमिनियम। एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सेज ऑफ टाइटेनियम जिरकोनियम एंड होफनियम एंड दे आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट आर्गेनो एलुमिनियम कंपाउंड्स, आर्गेनो एलुमिनियम को कैटलिस्ट। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट आर यूज टू पॉलीमराइज टर्मिनल अल्कीन्स लाइक दिस। ज़िगलर वॉज कार्ल वाल्डिमर ज़िगलर, he was a German chemist and Giulio Natta was Italian chemist. They were jointly awarded Nobel Prize in chemistry in 1963. इस कारनामे पर इनको 1963 में केमिस्ट्री का नोबल प्राइज दिया गया फॉर देयर वर्क ऑन हाई पॉलीमर्स। तो दिस वॉज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंशाल्लाह डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।